बिलखती हुई इन महिलाओं को आप देख रहे हैं और इनके परिजनों को रोते हुए आप सुन रहे हैं। दरअसल ये मासूम नहीं है बल्कि ये एक मासूम के गुनहगार हैं जिन्हें 13 साल बाद सजा मिली है तो 10 साल की मासूम को न्याय मिला है। ये घटना दरभंगा की है। जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए परिवार के लोगों ने ही परिवार के एक मासूम की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के एक मासूम सी बच्ची को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई तो उसके पिता ने एक परिवार के कई लोगों को इस हत्या का दोषी मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। 13 साल तक उस मासूम की न्याय की जंग उस पिता ने लड़ी और अब दरभंगा के न्यायालय से उसे न्याय मिला है। न्याय मिलने में भले ही देरी हुई है लेकिन जब न्याय मिला तो मुकम्मल मिला। जो दोषी महिलाएं हैं उन्हें अब सजा मिली है। हालांकि अब इस सजा को लेकर भी जो दूसरे परिवार के लोग हैं जिनके परिजन उस वक्त इस जघन्य अपराध में शामिल थे उनके भी मासूम बिलख रहे हैं। ये पूरा घटना दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के छतौना गांव निवासी योगेंद्र यादव और उनके पड़ोसी के बीच रास्ते विवाद को लेकर है। योगेंद्र की बेटी राजवंती अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी कि रास्ते में ही पड़ोस की 7 महिलाओं ने उसे रोककर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई इतनी बेरहमी से की गई कि बच्ची जो मासूम थी 10 साल की वो अधमरी हो गई। अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया। फिर क्या था, उसके पिता ने इन 7 महिलाओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय ने 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में 7 महिलाओं को दोषी माना है। सभी 7 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट का यह फैसला 13 साल बाद आया। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार के वकील ने बताया कि 7 महिलाओं को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने 10 साल की मासूम बच्ची को पीट पीट कर मौत की नींद सुला दी। दरअसल ये वारदात साल 2009 की है जब हायाघाट प्रखंड के छतौना गांव निवासी योगेंद्र यादव और उनके पड़ोस में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच योगेंद्र यादव की बेटी राजवंती खाना लेकर अपने पिता के पास जा रही थी। इसी दौरान बच्ची को पड़ोस की 7 महिलाओं ने रोक दिया और बेरहमी से पिटाई कर डाली जिससे वह अधमरी हो गई। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके बाद योगेंद्र ने 7 महिलाएं बुची देवी, मुनेर देवी, मनयोगिता, सीता, इंदु, चकुरन, भूखरी देवी पर बच्ची के हत्या का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने 13 साल बाद 7 महिलाओं को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि जो वकील है उनका कहना है कि हमें बेहद खुशी हो रही है कि आखिरकार 10 साल बाद हमें न्याय मिला है, इंसाफ मिली है। आपको बता दें कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा में एक साथ 7 महिलाओं को उम्र कैद की सजा इसके पहले कभी नहीं दी गई थी। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के ADG 9 की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। फैसले के बाद ये महिलाएं जेल जा रही हैं। कोर्टरूम से निकलते हुए इनके आंखों से आंसू निकल रहे थी और इनके चीख और इनके परिजनों की चीख भी सुनाई दे रही थी। रोते हुए लोग खुद को निर्दोष बता रहे थे लेकिन न्यायालय ने आखिरकार उस मासूम को इंसाफ दिया इन्हें सजा सुनाकर। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में।
पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।